नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मिका एकवर शाह स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव बी नेचुरल पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस पौधे के बारे में जानकारी शेयर करने जा रही हूं। इस पौधे का साइंटिफिक नेम कैलिशिया रिपेंस होता है। इस पौधे को इंच प्लांट, बास्केट प्लांट, टर्टल वाइन आदि और भी कई नामों से जाना जाता है। ये देखिए, इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं, छोटे छोटे से, और ये नीचे से पर्पल कलर लिए होते हैं। ये देखें, ये नीचे से पर्पल कलर लिए होते हैं और ये ग्रीनिश लुक दिए होते हैं ऊपर से। ये पौधा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हैंगिंग बास्केट के लिए पौधा बेस्ट पौधा है। ये पूरा हैंगिंग बास्केट में अगर हम लगाएंगे तो ये जो पौधा होता है पूरा फुटबॉल जैसा एक रूप ले लेता है। बहुत ही सुंदर दिखता है हैंगिंग बास्केट में। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये गमले में लगा हुआ है मेरे, और इसने पूरी तरह से इस गमले को कवर किया हुआ है। ये देखिए, नज़र ही नहीं आ रहा है कि गमला कहाँ है। ये देखिए, ये गमले में लगा हुआ है। इस पौधे को एज अ लिविंग मल्च भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने कई जगहों पर इसे गर्मी के सीज़न में एज अ लिविंग मल्च यूज़ किया है। दोस्तों, इसकी जो सॉइल होती है वो वेल्ड्रन ली जाए तो बहुत अच्छा होता है। सॉफ्ट सॉइल बनाइए जिससे कि इसकी जो ग्रोथ है इजीली हो सके, इसके रूट को फैलने में आसानी हो। आसानी के साथ ये रूट फैल सकेगी अगर सॉइल सॉफ्ट होगी। पानी एवरेज दीजिए, जब इस पौधे को ज़रूरत हो तभी दीजिए। दो वाटरिंग के बीच में सॉइल को सूखने का टाइम दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी की से ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा खाद की से ज़रूरत नहीं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा खाद का उपयोग नहीं करती क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत है। अगर इस पौधे को आप धूप में रखेंगे तो ये पत्तियाँ पर्पल कलर में टर्न हो जाती है। ये देखिए, कहीं कहीं आपको इसकी पत्तियाँ ऊपर से भी थोड़ी पर्पलिश सी दिखाई देंगे। जहाँ जहाँ इस पौधे पर धूप पड़ती है वहाँ से ये पत्तियाँ पर्पल होने लगती हैं, और अगर आप इसे शेड में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ ऊपर से ग्रीन हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा होता है ये। इसको बुशी लुक देने के लिए रेगुलर पिंचिंग करते जाइए। पिंच करने के बाद जो पौधे छोटे छोटे से टुकड़े बचे उन्हें फेंकिए मत, उन्हें आप सॉइल में ऐसे ही रख देंगे तो भी ये इजीली ग्रो हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इजीली ग्रो हो जाता है, तो इसका मतलब इसका प्रोपेगेशन भी बहुत ज़्यादा इजी है। बस आप इस पौधे को कहीं से भी तोड़ लीजिए और बस मिट्टी में ऐसे ही रख दीजिए, ये अपने आप से बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत में मिल सके। ऐसे ही मैं और नए वीडियोस के साथ आपसे मिलूंगी। दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी, और आप क्या चाहेंगे कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन से पौधे के बारे में बनाऊं। तो दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बाय।